सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की टीम को लाजपत नगर मार्केट में गैंगवार में दुश्मनी के चलते विरोधी गैंगस्टर की कार पर दनादन गोलीबारी करके फरार दक्षिण दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू गैंग के तीन गुर्गों को दबोचने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 32 वर्षीय दीपक उर्फ गंजा, 28 वर्षीय शाहरुख उर्फ भूरा और 28 वर्षीय जितेंद्र उर्फ लंबू के रूप में हुई है। तीनों दक्षिण दिल्ली के रहने वाले हैं। इनसे 32 बोर की 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 देशी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस व 1 TVS स्कूटी बरामद हुई है। गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू फरार है। क्राइम ब्रांच की टीमें गैंगस्टर शिब्बू को भी दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। DCP राजेश देव के मुताबिक दीपक उर्फ गंजा दक्षिण दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू गैंग का सक्रिय बदमाश है। गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू का विरोधी गैंगस्टर कपिल पनवार 16 फरवरी 2022 की शाम 4:30 के आसपास लाजपत नगर कार एक्सेसरीज मार्केट में अपनी कार से आया था। कपिल पनवार की भी आपराधिक पृष्ठभूमि है और शिब्बू गैंग के साथ उसका विवाद चल रहा है। तब दुश्मनी के चलते गैंगस्टर शिब्बू व उसकी गैंग के 10-12 बदमाशों ने गैंगस्टर कपिल पनवार पर हमला कर दिया था। बदमाश उसकी कार का शीशा तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू सहित गैंग के 4 बदमाश फरार थे। क्राइम ब्रांच DCP राजेश देव ने बताया कि क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के तेज तर्रार ACP संतोष कुमार की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम फरार गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू व उसके अन्य गुर्गों को दबोचने के लिए आरोपियों की मूवमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पर काफी समय से काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में SI कृष्ण कुमार ने फरार गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। आखिरकार 42 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दबंग इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम के हाथों सफलता लग ही गई। दिनांक 29 मार्च को टीम के कांस्टेबल सूर्य देव को अपने सूत्रों से पता चला कि गैंग दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने आने वाली है। दबंग इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी ने कांस्टेबल सूर्य देव को मिली इन्फॉर्मेशन को तेज तरार ACP संतोष के साथ शेयर की। गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू गैंग की इन्फॉर्मेशन मिलते ही बदमाशों को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच DCP राजेश देव ने क्राइम ब्रांच दक्षिण रेंज के तेज तर्रार ACP संतोष कुमार की सुपरविजन व दबंग इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में SI कृष्ण कुमार, उदयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक नरेंद्र, कांस्टेबल सूर्यदेव, घनश्याम, ओम प्रकाश और रवि की एक टीम का गठन किया। टीम ने 29 मार्च को प्राचीन वाल्मीकि मंदिर देवली रोड पर सब्जी मंडी के पास जाल बिछाया। लगभग 9:15 के आसपास दो संदिग्ध TVS स्कूटी पर आते हुए दिखाई दिए। मुखबिर के कहने पर टीम ने दोनों संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर दोनों संदिग्धों ने मौके से भागने की कोशिश की। टीम ने दौड़कर दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। संदिग्धों की पहचान दीपक उर्फ गंजा और शाहरुख उर्फ भूरा के रूप में हुई। दोनों देवली के रहने वाले हैं और गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू गैंग के सक्रिय बदमाश हैं। आरोपी दीपक उर्फ गंजा की तलाशी से 2 जिंदा कारतूस के साथ 1 पिस्टल और शाहरुख उर्फ भूरा से 3 जिंदा कारतूस सहित 1 पिस्टल बरामद किया गया। TVS स्कूटी की तलाशी लेने पर डिक्की से 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामद अवैध हथियारों से बदमाश दक्षिणी दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार दीपक उर्फ गंजा और शाहरुख उर्फ भूरा के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच में 29 मार्च को FIR संख्या 40/22 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गैंगस्टर शिबेक सिंह व अन्य बदमाशों का पता लगाने के साथ साथ अवैध हथियारों की और बरामदगी के लिए कोर्ट से दीपक उर्फ गंजा और शाहरुख उर्फ भूरा की 2 दिन की पुलिस रिमांड ली। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए यह लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गैंग के एक दूसरे सदस्य तक बात पहुंचाने के लिए इन्होंने खानपुर में MB रोड पिपल चौक के पास मीटिंग पॉइंट बना रखा है। यह बदमाश दिन में एक बार पिपल चौक पर जरूर मिलते हैं। दीपक उर्फ गंजा की निशानदेही पर आरोपी जितेंद्र उर्फ लंबू को खानपुर के MB रोड पीपल चौक से दबोच लिया। इसके पास से 1 पिस्टल, 1 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने कबूल किया कि गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू के कहने पर इन लोगों ने विरोधी गैंगस्टर कपिल पनवार पर गोलियां चलाई थी। जितेंद्र उर्फ लंबू के खिलाफ भी दिनांक 31 मार्च को थाना क्राइम ब्रांच में FIR संख्या 41/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गैंगस्टर शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू फरार है। क्राइम ब्रांच की टीमें गैंगस्टर शिब्बू को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
गिरफ्तार तीनों बदमाशों के पास से कुल 32 बोर की 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 देशी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस व 1 टीवीएस स्कूटी बरामद हुई है। आरोपी 32 वर्षीय दीपक उर्फ गंजा पुत्र सुरेंद्र मकान नंबर 407 देवली का रहने वाला है। इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। यह शादीशुदा है और इसका एक बच्चा है। यह गैंगस्टर सिबेक उर्फ सिब्बू गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ पहले से ही थाना नेपसराय, संगम विहार व तिगरी में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपने खर्चों को पूरा करने व बिंदास लाइफस्टाइल जीने के लिए यह सिब्बू के गिरोह में शामिल हो गया। यह इतना खतरनाक व खूंखार है कि इसने दिनसभर 2018 में दक्षिण दिल्ली के टॉप अपराधियों व गैंगस्टरों को पीटा और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इसने गैंगस्टर सिबेक उर्फ सिब्बू गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कर गंभीर रूप से इतना घायल कर दिया कि उसके शरीर में 16 छड़े लगाई गई है। दूसरा आरोपी 28 वर्षीय शाहरुख उर्फ भूरा पुत्र समीर मकान नंबर H328 गली नंबर 16 संगम विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। यह भी शादीशुदा और एक बच्चे का पिता है। यह दीपक उर्फ गंजा का खास दोस्त है। दीपक उर्फ गंजा ने शाहरुख उर्फ भूरा को गैंग में शामिल करने के लिए गैंगस्टर सिबेक सिंह से सिफारिश की थी। इसने गैंगस्टर सिबेक सिंह उर्फ सिब्बू के कार्यालय से सटे लाजपत नगर में लीज पर एक प्रॉपर्टी ली और ओयो होटल चलाने लगे। तब से यह गैंगस्टर सिबेक सिंह उर्फ सिब्बू से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। कोरोना दौरान लॉकडाउन के कारण इसके ओयो होटल के धंधे को नुकसान हुआ और इसके बाद यह गैंगस्टर सिबेक सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसके पास से बरामद हथियार गैंगस्टर सिबेक सिंह ने उसे दिए थे। इसकी पहली कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तीसरा आरोपी 28 वर्षीय जितेंद्र उर्फ लबू पुत्र संतराम मकान नंबर D218 प्रथम तल कृष्णा पार्क देवली का रहने वाला है। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। एक गौरव का दोस्त है। गौरव ने जितेंद्र उर्फ लबू को गैंग में शामिल करने के लिए गैंगस्टर सिबेक सिंह से सिफारिश की थी। गौरव गैंगस्टर सिबेक सिंह उर्फ सिब्बू का सक्रिय सहयोगी है। जितेंद्र उर्फ लबू की भी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ थाना मालवीय नगर, तिगरी व नेपसराय में 4 आपराधिक मामले दर्ज है। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की टीम इनसे बरामद अवैध हथियारों के स्रोत का पता लगाने व फरार गैंगस्टर सिबेक सिंह उर्फ सिब्बू को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।